अगर किताब न ले आवे फिर असा तैनु मुहम्मद तो मने साए मगर रसूलुल्लाह नहीं मनना। होर भी कई खिबास्तां दा अल्लाह दे कुरान ने जिक्र फरमाया। उन्हां दे इस सवाल दा अल्लाह ने इस आयत मुकद्दसा दे अंदर जवाब दिता है कि मेरा सोहना पैगंबर, सब तो पहली बात तो यह है कि तै सोहने पैगंबर दी नबुवत और रिसालत दी कोई तस्दीक करे या न करे, मैं रब नू इस बात की कोई परवाह नहीं। क्यों? सारी दुनिया भी अगर तेरा इनकार कर देवे, लाकिन अल्लाहु यशहद, मैं अल्लाह जो गवाही दे रहा कि तू मेरा मुहम्मद सच्चा रसूल है, और उसकी दलील ये है कि अनजला इलैक, असा तैं सोहणे मुहम्मद पाक ते सब तू अजीम मौजजा ये दिता है कि तेरे दिल ते कुरान नू नाजिल फरमाया। ते ओ कुरान पाक ऐसी किताब नहीं है जिवें कि तौरात इंजील जबूर है, अनजल बेइल्म ही, ए मैं अल्लाह दा बहुत बड़ा इल्म दी शक्ल बन के आया है तो मैं रब दा कुरान आया है। दूसरा माना इसका यह भी है अनजल बेइल्म ही, कुरान तो वैसे ही अल्लाह दा इल्म है, अनजल बेइल्म ही असा तैनू कुरान पाक वाला तोहफा दिता ही इस वजह तो है कि साढ़े इल्म चाहिए कि साढ़े कुरान का हक अदा कर सकता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह कर सकता है। वल मलाइका तो यशहदून, बहुत बड़ी मुकद्दस हस्तियां फिरिश्ते भी तय पैगंबर दी रिसालत दियां गवाहियां दे रहे। इतना है ना हराम खोर यहूदी ईसाई साडा खा के ते भौकदे ही सानू पै, साडी एक ऐसी मखलूक है जिहड़ी नहनु नु सब्बे होबे हमदे कवनु कद्दस होलक, हर वक्त साड़ियां तारीफां च लगे खले हैं, ओ मखलूक भी तय मुहम्मद दी रिसालत दी शहादत दे रही है। ये तो वैसे मैं अल्लाह ने फिरिश्तियां दा जिक्र कर दिता है सिर्फ कूड़ियां नू कूड़ा करन वास्ते, वैसे कफा बिल्लाह शहीदा, जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह दे छोड़े उसको मजीद किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। यानी उन्होंने सोहणे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ते इतराज किया, मुतालबा किया, तो खुद अंदाजा लगाओ कि खुद अल्लाह नो सोहणे मुहम्मद रसूलुल्लाह नाल कितना प्यार और मोहब्बत है कि जिथे पैगंबर दी शिकायत होवे अल्लाह खुद सफाई वास्ते मैदान च आ जाता है। देखिया फिरिश्तियां दा जिक्र करने दे बाद फौरन फरमाया कफा बिल्लाह शहीदा, मेरा सोना अगर फिरिश्ते भी तेरी शहादत ना देंदे तो जिंदे मोढ़े नाल मैं अल्लाह खलोता होवा उनू मजीद किसे दी जरूरत नहीं आती। तो अल्लाह ने इस बात का जवाब दिता,
इस आयत तो पहले कम अज कम अल्लाह ने 12 अंबिया किराम अलैहिम सलावात व सलाम दा ना ले के जिक्र फरमाया। इन्ना औहैना, अल्लाह ने फरमाया कि असा इस तरह सारे पैगंबरां दे वही नाजिल फरमाई, उन्होंने नबूवत और रिसालत भी दिती और उन्होंने मौजजात भी दिते। ते इन्ना यहूदियों को पुछो भई ये नूह अलैह सलात व सलाम नूं तां मनदे भई अल्लाह दा नबी आई, हुण नूह अलैह सलात व सलाम दे उत्ते तां मैं अल्लाह कोई किताब नाजिल नहीं फरमाई। ये यहूदी नूह नूं अल्लाह दा पैगंबर क्यों मनदे? यूसुफ अलैहि सलात व सलाम नूं, याकूब नूं, दाऊद नूं, मूसा कलीमुल्ला नूं, ये 12 पैगंबरां दा नां लै के अल्लाह ने आखिया मेरा पैगंबर, ये इन्हां नूं तां पैगंबर मनदे। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्हां ने अपने अपने दौरे नबूवत दे अंदर इन्हां दे वजूद तो मैं अल्लाह ने एजाज जाहिर फरमाया। एजाज जान दो जिन्हों मौजजा आख्या। मौजजा वह होंदा है जड़ा खर के आदत होवे, कानून दे खिलाफ होवे, उन्हों मौजजा आख्या जांदा। मसलन अल्लाह ने फरमाया एक तरबत साअतो वन शक्कल कमर, असा चन्न नूं दो टुकड़े कर छोड़िया, तो ये क्या है? बोलो ये क्या है? मौजजा है। सोड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौके ते जंगो जिहाद दे मौके दे उत्ते साहबा किराम कोल पानी खत्म हो गया, खावण पीवण दा समान भी खत्म हो गया, बल्कि इतना पानी खत्म हो गया बे हुण खतरा है जो डंगर भी प्यास तो मर वे सन। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछो यार कहाँ कोल पानी है? सही एक साहबी आ गया, छोटा जिया अस्तावा चाहीवद हो तो उसने आखन लगा या रसूल अल्लाह बस ए थोड़ा जिया पानी दो चार घोटे हैं। अल्लाह दे महबूब मुहम्मद मासूम ने एक थाल जिया मंगवाया तो उदे विच उस पानी दे विचो एक कुल्ली करके विच उस थाल दे सटी। सोड़े मुहम्मद करीम ने इंज करके वत हाथ उस थाल दे विच रखिया तो नबी अलैहि सलात व सलाम दी इन्ना अंगली दे खिलालां दे विचों पानी दे चश्मे अल्लाह जारी फरमा दिते। ये मौजज़ा है, ये एजाज है। कई सहाबा किराम हुण हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि मेरे इत्थे हर वक्त ना इत्थे हमयानी, ये आम तौर पर बंदा उमरे या हज ते वेंदा है तो एक छोटा जिहा बैग जिहा इत्थे नाल रखदा वे ताकि डाकूमेंट नाल वधे रहन, पासपोर्ट वगैरह शनाख्ती कार्ड वगैरह। इस तरह उस दे भी एक चमड़े की हमयानी जी बनाई हुई आई, उहदे विच उन्ना खजूर रखदे आन हर वक्त। तो एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या कि वह इत बद्दी वधाई, नबी अलैहि सलात व सलाम ने पूछा कि शले ही वधाया? आखिर लगे यार रसूला खजूर हैं इतने कि थोड़ी जी भुख सताईंदी है तो एक दो खजूर खा के गुजारा कर लेने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और मैं थोड़ा जि विखावे ना। अल्लाह के महबूब ने चंद खजूर हाथ च लै के काशा पढ़ी, पढ़ के तो उन्होंने उस हमयाड़ी दे विच पा दिते ते नाल फरमाया भी हुण जदों भी दिल करी चुप कर ते विचों कढ़ लिया कर, कदी बोझा फरोल के वेखे नहीं जो कितड़ियां वधियां। कई साल मैं इसे तरह इंजे हथ मारा खजूरा कढ़ के खा लवा, मगर एक दे आखिर बंदा जो होया भुल गयो, इंजे मैं खोलिया ते वेखिया ते विच काईशा है कोई ना। तो ये सब दे सब क्या है? ये मौजज़ात है, ये अल्लाह दी कुदरत है, ये एजाज। तो अल्लाह पाक फरमांदा है कि इना अंबियाए किराम दुत्ते भी मैं अल्लाह ने मौजज़ात तो जाहिर फरमाए।
तो सब तो वड्डा मेरे मोहम्मद मासूम दा मौजजा ए है कि असा बगैर मंगे दे मोहम्मद नो तोहफा कुरान वाला नसीब फरमाया। तो ये अजा भी मुतालबा करें कि होर कई किताब लिया तो मेरा सोना मोहम्मद करीम इन्हों का मुतालबा नहीं, ये असल च इन्हों के ढिड च बीमारी है, हसद वाली लानत है, ये जान बुझ के तय मोहम्मद रसूल अल्लाह रसूल नहीं मानता। कई कई बहाने काफिर बेदीन आदमी तलाशदा है, तावीला करता है। दूआ लफ्ज एक मसले की समझ आ जाए तो फिर भी दर बदर ठोकर खांदा रह वेंदा है, तो क्या आता है तहकीक दा मैदान बस ही असा तहकीक कर रहे हैं। जिस बंदे नूर रब दे कुरान और सोने महबूब मोहम्मद मासूम दी जबान फरमान समझ आ जाए अल्लाह उस मुसलमान ते राजी होंदा है कि फिर अल्लाह उसनु इस्तकामत वाला अमल नसीब फरमा देता है। तो बंदा उस जगह ते खलो जाता है, फिर तहकीक शैतान अली जारी नहीं रखता। जेड़े बंदे हर महफिल च जाके इक्को मसले नु बार बार दोहराई सन, इन्हें समझो कि ये बंदा सिर्फ खुदा दे दीन वास्ते फितना बनया होया है। इसनु असल दे अंदर दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह दी मिठास अल्लाह ने नसीब ही नहीं फरमाई। अक्सर भी खींदा है, अक्सर जाई ते लोग उन्होंने पता होंदा है सारे मसाइल दा, समझ चुके होते हैं, मगर फिर भी चस्के चैसन भाई एदे कोल सोना है पता नहीं ये के आ। यानी हर मौलवी दे इल्म नू परखना, ओनू तू परखे से तो पिछे, मगर ईमान तू बंदा पहले खाली हो जाना। उदी वजह ए है कि जिसनू अल्लाह दीन दी समझ दे देंदा है, अल्लाह खुद फरमांदा है फिर ओनू पूछण दी जरूरत नहीं होंदी। अफमन शरह अल्लाह सदरहू लिल इस्लाम, अल्लाह फिर ऐसे मुसलमान दे सीने नू इस्लाम वास्ते खुद खोल छोड़ेदा होता है। तो यहूदियां वालियां आदतां कि अल्लाह दे रसूल दे दलायल ते बयानात अल्लाह दियां पहलियां किताबां दे विच उलमा यहूद तो पढ़ चुके हैं, समझण दे बावजूद फिर भी सोने मोहम्मद करीम दे कोलो आए ते मुतालबा करन लगे कि साडे वास्ते को स्पेशल अल्लाह कोलो किताब लेके आ। तो अल्लाह करीम ने बड़ा सोहना और बेमिसल ते बेमिसाल जवाब दिता कि मेरा सोहना ये अगर मौलवी ते पीर ते गद्दी नशीन तेरा इनकार भी कर देवेन तो मैं अल्लाह जो शहादत दे रहा हाँ कि तेरे नाल दा सच्चा रसूल और कोई नहीं। मगर असल दे अंदर जेड़ी इनां दे अंदर बीमारी है ना, ओ मैं रब तै मोहम्मद रसूल अल्लाह नु दसे ना कि इन्होंने तै पैगंबर दा इनकार कीता क्यों है, वजह क्या है। इन अल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह قد ظلوا ظلالا بعيدا। अल्लाह फरमांदा है पहला गुनाह जुर्म इन्हां दा ए है कि कफरू इन्होंने तै पैगंबर दा इनकार कीता है। जड़ी इनकार करने दी वजह है ओ एक सद्दू अन सबीलिल्लाह। इन मौलवियां नू पता है
जे मोहम्मद रसूलुल्लाह दा मिशन फैलदा गया इस दी सदाकत दा लोगां नू पता चलदा गया। लोगां ने जद रब दे कुरान नू सुनना है तो खुद कुरान भी बा कमाल है ते पढ़न वाला खतीब भी बा कमाल है। जिमें कुरान दी सूरत दे नाल दी सूरत कोई नहीं इन्ने पढ़न वाले मेरे मोहम्मद दी सूरत दे नाल दी सूरत कोई नहीं आए। जो जो इन्होंने सुनदिया जाना है अवाम ते साडे मुरीदा ने मोहम्मद दा गुलाम ते नौकर बन दिया जावना है ते जे ये सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मुरीद बन गए ते साडे ना दिया नजर निहाजा कह नहीं देवनी आ। एक ते खुद मेरे कुरान दे मुनकर बन गए दुआ कम केड़ा कर देन सद्दू अल सबीलिल्लाह उल्टा ए कुरान दा मुकाबला भी कर दे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दे बारे गलत इल्जामात फैला के ओदे खिलाफ अफवाहियां ते बदज़ दुनिया पैदा करे दे। मतलब यह है कि जड़ा मेरा कुरान दा मुखालिफ होवे इन्ने समझो कि ओ मेरे मोहम्मद दा मुखालिफ है ते जड़ा इन दा मुखालिफ होंदा है कद जल्लो जलालम बाईदा जलालम बाईदा ओ इंज दी गुमराई ते जलालत दी खाई दे अंदर गिर जांदा है जिथों ओदे निकलण दा इमकान कोई नहीं होंदा। यानी अल्लाह ने समझाया मेरा पैगंबर भावे तू इन्हां दा मुतालबा पूरा भी कर देवे तावी इन्हां ना मुरादा ने तेरे ते ईमान कोई नहीं ले आवड़ा क्यों के एह मेरे कुरान दे भी दुश्मन बन चुके हैं। साहबे कुरान मुहम्मद दी मुखालफत भी इन्हां दे अंग अंग दे अंदर रच चुकी है लिहाजा असत है पैगंबर नू मेयारे हको हिदायत बनाया है जेड़ा तेरी मुआफकत करे ओनू हिदायत मिलनी है ते जेड़ा तेरी मुखालफत करे ओनू निरी गुमराई ते जलालत मिलनी है। एक कुरान ने मेयारे हक जाहिर फरमाया है कि हिदायत ते जलालत दा जे कहे वेखणा तराजू लावणा जलालत ते हिदायत दी पहचान करनी है। अल्लाह फरमांदा है मेरे पैगंबर दी मुआफकत दा ना हिदायत है मुखालफत दा ना जलालत है। इसे वजह तो अल्लाह दे कुरान ने दूसरी जगह ते फरमाया मयू शाक कर रसूल मिम्बाद मा तबयन लहुल हुदा व यत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लीहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। दुए मकाम ते अल्लाह दा कुरान क्या फरमांदा है इन्नल्लज़ीना कफरू व ज़ालमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम वला लियहदियहुम तरीकन इल्ला तरीक जहन्नम। अल्लाह फरमांदा है जिस बंदे ने मेरे रसूल दी मुखालफत की चाहे सुन्नत नाल या अमल नाल इल्मे कुरान नाल नजरिए ते अकीदे नाल ईमान नाल या मेरे मुहम्मद दी सीरत सूरत खसलत ते आदत नाल जिसने भी मेरे रसूल नाल मुखालफत की है बावजूद इस दे के तबैया ना लहुल हुदा ओदे
सामने मेरे मोहम्मद ने हुदा वाला खजाना कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है। तबैयना यानी मेरे कुरान ने हर मसले नो खोल के दसाया है, हर हकीकत नो जाहिर करके दिखाया है, हर पर्दा चा करके ते हकीकत नो खोल के जाहिर किया है। मेरे मोहम्मद दे दीन ते शरीयत दा कोई शोभा बा पर्दा नहीं आए, बल्कि हर शय नो अल्लाह ने खोल खोल के सुनाया है। ते इस दे बावजूद जड़ा यो शाक एक फिर भी मेरे रसूल नाल मुखालफत अदावत करेंदा है, ते ओदी अलामत है कि यत्तबे गैर सबील मोमिनीन, उसने असहाब पैगंबर दी भी मुखालफत की है, जमात मुस्तफा दी भी मुखालफत की है। क्यों करेंदा पे नुवली ही एक तू कुरान पढ़ पढ़ के सुनावन वाला सुनाइंदा खलोता है, अगो मोहम्मद दी जमात उदे अमल करके वेखी पई है, मगर वत भी नुवली ही माता वल्ला उसने कंड कर दी है। मतलब ये है कि उसने कुरान नु भी कंड की थी, मेरे जवान नु भी कंड की थी, ते जवान दी जमात दा भी इनकार किया है। जेड़ा इनदा मुखालफत रसूल करन वाला होए मुस्लिम ही जहाना यो जाए बंदे दा ठिकाना मैं अल्लाह ने पक्का जहन्नम बना छोड़िया। मतलब क्या है? पैगंबर दी मुखालफत जलालत, मुआफकत बोलो हिदायत, मुआफकत दे अंदर हिदायत, मुखालफत जलालत, यानी जिस पैगंबर नाल इत्तेफाक कीता है अल्लाह ओदे वास्ते लनाह दे यन्ना होमो सबो लाना, अल्लाह सारे हिदायत दे रस्ते खोल देंदा है। ते जेड़ा मेरे रसूल नाल करे मुखालफत अल्लाह इयो जाए बद नसीब वास्ते हिदायत दे दरवाजे बंद कर दे। तो कुरान पाक वाली रहमत होवे, सोड़े मोहम्मद पाक दी नबुवत और रिसालत वाली रहमत होवे, सोड़े मोहम्मद मासूम दी हुस्न सूरत ते हुस्न सीरत वाली रहमत होवे, ये सारे दरवाजे ता खुलते हैं जदा बंदा सब तो पहले अपना दिल का दरवाजा खोल के मोहम्मद का गुलाम बन जाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दी इत्तेबा करता है। अल्लाह फरमाता है वत मैं अल्लाह सारी दी सारी रहमत दे दरवाजे खोल देता हूं। इन्हों का कम क्या है? सद्दू अन सबीलिल्लाह, बजाय मेरे पैगंबर की ताईद और तस्दीक करने दे उल्टा सद्दू उस रस्ते की रुकावट बन गई दे। रुकावट के बनना? माज़ अल्लाह यार ये अपनी तरफों घड़ घड़ के ले आंदा है मोहम्मद, कोई अल्लाह की किताब नहीं है, खुद अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मेरा सोना पैगंबर कदी तेन कुछ बकवास कर देने, कदी आ देने झूठा है, कदी आ देने साहिर है, कदी आ देने शरारती है, अम यकूलु नफ्तरा, कदी आ देने एक खुद घड़ घड़ के ले आंदा है। बड़े बड़े बकवासात तेरे उत्ते कर दे है। इस वास्ते मिया ए खुद साख्ता दीन ले वदा, दीन तो वह होता है जिद उत्ते एक पूरी उलमा की जमात होनी चाहिए, जेड़े पासे मौलवी होंदे असल दीन उस पासे होंदा है। ते महाज अल्लाह मोहम्मद तकल्ला वदा है, इहदे नाल कोई अकाबर बजुर्ग शेख कोई नहीं। ते वेख लियो असा केड़े बाशरा लोग है, बजुर्ग है, हजार हजार मीटर दियां साड़ियां तस्बियां वेख लो, असा कदी किसे दे उत्ते जुलम नहीं कीता, कदी किसे ते ज्यादती नहीं कीती। असा तो आने मियाँ जिथे कोई लगा पे है ठीक लगा पे, असा कदी किसे दे मजहब नू छेड़े, जुल्म वाले जुल्म एह हे कल्ला ते दुआ हर मजहब वाले दे खिलाफ डंडा चाहिए। एडा सच्चा
ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹੋਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਦੂ, ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਨਸ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਬੀਲ ਇਲਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾਲੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਮੀ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨਸਬੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰੁਲ ਕੁਰੂਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਰ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਆਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੋਮਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੱਦੂ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ਾਲਮੂ ਜ਼ਾਲਮੂ ਐ ਕਤਮੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਫਿਰ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਜਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮੂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਛੋੜਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੈ ਲਮ ਯਕੁਨ ਇਲਾ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾ ਜਰੈ ਮੋਵੇ ਲਾਉ ਯਕੁਨ ਲਾਓ ਲਿਆ ਫੇਰਾ ਲਾਓ, ਇਹੋ ਜੇ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵਣੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਲਮ ਯਕੁਨ ਇਲਾ ਹੋ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲਾਓ,
पहला वादा यह कि मैं उन्हों माफ कोई नहीं करना ते दुआ मैं अल्लाह दा कहर ते अजाब औणा वा वला ले यहदिया हम तरीका यो जै बद बख्त वास्ते मैं अल्लाह हिदायत दे दरवाजे बंद कर दे दौणा ओनू पिट पिट के रब दा कुरान सुनाओ मैं यो जै लांती नू हिदायत आले पासे आन देंदे नहीं आ बल्कि इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फीहा ओ दिन ब दिन जहन्नम आले पासे दौड़दा जा रहा है दिन ब दिन तरक्की जहन्नम आले रस्ते वल जा रहा है ओनू समझाया जांदा है गैरुल्लाह दे नां दीआं नज़रां नियाज़ां हराम मेले ते कवालियां हराम ते परतगी करना हराम है ओ चेड़ दे अंदर नाल नाल होर उना हराम खोरां दा ताब हुण वी करेंदा जा रहा है उना दीआं महफलां दे अंदर वी सजावट बढ़दा जा रहा है अल्लाह फरमांदा है मोमिन दा मुकाबला नहीं पिया करेंदा बल्कि इल्ला तरीक जहन्नम मैं अल्लाह खुद उस जालिम नू हिदायत आले पासे आवणी नहीं देंदा इनू जहन्नम आले पासे मैं अल्लाह टोर छुड़े दौणा क्योंकि दुनिया और आखरत दी हिदायत दा खजाना बन के आया है या मुहम्मद आया है या मुहम्मद कुरान आया है अल्लाह फरमांदा है जिस बंदे ने मेरे पैगंबर नाल मुकाबला कीता लाल यहदिया हो ओनू मैं कदी मरदे दम तक हिदायत दी पक डंडी ते चढ़ण नहीं अंदाजा लगाओ शुक्र ए है जो सोड़े मोहम्मद ते मोहम्मद ते आवण आले कुरान दा मुहाफिज कौन आई ये अल्लाह दी जात है वरना सोने मुहम्मद करीम नु तां मुल्ला मियाने कदन दा खा गए होवे दा मगर अल्लाह ने न साहबे कुरान दे वाल नु भी नहीं डिंगा होवण दिता न कुरान दे नुक्ते विच भी तब्दीली आवण दिती है क्योंकि इन्हां दोवां दी हिफाजत दा जिम्मेवार कौन आई तां तां एक मौके अल्लाह दे पाक पैगंबर ने रो के फरमाया आखिर इंसान जो होया कदी ना कदी दिल तंग भी हो जाता हर पासे मौलवियां दी छट छुट्टी वधी होवे ते सिर्फ मौलवी भी नहीं नाल उना दे शतोंगड़े मुरीद बे हयावी पैगंबर जेड़े पासे वेंदा पे होवे आ कदी कदी ओदे पिछु पागल पागल करके ते ताड़ियां मारन लग वेंदे हाल हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अनो सारी जिंदगी सिर ते कोई अमामा नहीं बद्धा एक दुए नंबर ते उसने ऐ गलमा ऐ जड़ा सामने आंदा है ए बटन खुले ही रख दे अन एक त सिर ते पगड़ी कोई नाल बंदे एक दे बंदे ने ओदे कोल पुछया वजह क्या है सिर दुते पगड़ी क्यों ने बंदे आखन लगा मैं छोटा जिया ते असा काफरा बेईमाना मौलवियां ते पीरां दे आखे लगे पैगंबर दे पिछू भजदे ही वधे आसे ते ताड़ियां वधे मरेंदे आसे सोड़े पैगंबर नू मजनून 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 पागल पागल वधे आदे आसे ताके मुहम्मद रसूल अल्लाह दी बेइज्जती होवे मगर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने है मता नत संजीदगी नाल चलदियां चलदियां अचानक जड़े बच्चे असर रल के वध्या से पिछो ताड़िया मरेंदे अल्लाह दे पैगंबर ने इंज करके मैनू बुलाया है मैं जाबिर जदा मुहम्मद रसूल अल्लाह दे नजदीक गया अल्लाह दे पाक पैगंबर ने शफकत भरिया मेरे सिर ते हाथ रखिया है अल्लाह दी जात दी कसम है एक हाथ सिर ते रखे ते दूआ हाथ मेरे सीने ते रखिया है इंज मालूम होंदा हा कि अल्लाह ने मैनू ठंडियां छावां तले बहा दिता है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जदा मेरे सिर मुबारक ते हाथ रखिया है मैनू अल्लाह दी जात दी कसम है हुण तां मैं 55 साल दा हो गया जिहड़ा
मेरा उस मौके ते पैगंबर ने मेरे सिर ते हाथ रखिया जेड़ी उस वक्त मैनू खुशबू आई आए मैनू अल्लाह की कसम है खुशबू अजे भी जाबिर नूं महसूस होंदी है। ओ हाथ जेड़ा पैगंबर ने मेरे सिर मुबारक रखिया ओ खुशबूई दे हुल्ले मैनू अजा भी महसूस होंदे वो हाथ जेड़ा मेरे सीने ते रखिया वो हाथ रखना ओ दिन गुजरिया ते अज दिन आ गया मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देवा मोहम्मद दे कदमा तो ओए मोहम्मद जैनू हाथ ला दरवाजे अल्लाह ने खोल छोड़े एक दे अल्लाह दा पैगंबर रोंदा बैठा है अल्लाह मैं कल्ला हां ते सारी दुनिया मैं मोहम्मद दे मुकाबले चाहे जिस वक्त अपनी बिरादरी भी मुखालिफ होवे पैगंबर दे लगदे लेंदे भी मुखालिफ होवे बिगाने तो अगे ही बिगाने मगर वत भी पैगंबर दे सिर मुबारक चू खून दियां सीणा भी वांदियां पईयां होए पैगंबर दे दंदां मुबारक भी शहीद होए सोहे पैगंबर नूं पत्थर मारन वाली दुनिया पत्थर पई मरे दी होवे ते वत भी उतु अल्लाह करीम सड मार के आदा है या अयो हर रसूलो बल्लग ओ मेरा पैगंबर मेरे कुरान सुनावने तैनू पत्थर लगे तवी तो कुरान सुनावना है वतनों बेवतन होवे तवी कुरान सुनावना है मगर अल्लाह मैं जू कला हाँ मैं कहिंदा कहिंदा मुकाबला करा हाँ अल्लाह फरमांदा है बल्लग तबलीग तेरे जिम्मे है वल्लाहु यासिमु कमीनन्नास कुरान जफा मार के तू रख ते तेरे एक एक वाल दा मुहाफिज कौन यासिमु कमीनन्नास हर दुश्मन को तेन महफूज रखने वाला कौन है कुरान नू भी महफूज कह रखे हुए अल्लाह ने रखे भाइयो होर दलील होवे या ना होवे मुहम्मद दी सदाकत दा ए बयन सबूत है कि अल्लाह ने जेड़ा मौजा मुहम्मद दे पाक दिल ते नाजिल फरमाया है उसनु क़यामत तक महफूज रब ने रखिया के नहीं बोलो ए मुहम्मद दी सदाकत दा बयन सबूत है जिवें क़यामत तक कुरान च नहीं तब्दीली आ सकदी इन्ने क़यामत तक वजूद मुहम्मद च भी तब्दीली नहीं आ सकदी क्योंकि नबूवत दा कोठा भी मुहम्मद पाक ते कुरान आले मरकज दा खजाना भी मुहम्मद पाक जे कोठे ही ढह वंजन तो मुहम्मद दियां अलामतां ते सिफतां ते निशान ते कमालात किथों मिल सन अल्लाह ने एक कुरान दा एजाज साबित फरमाया जिवें कुरान नूं नहीं घुण लग सकदा इन्ने क़यामत तक मेरे मुहम्मद दे वजूद नाल भी मिट्टी लग सकदी नहीं है वजूद तो वजूद रह गया ये मेरा ईमान ते अकीदा है कि मेरे सोने मुहम्मद पाक दे कफन नाल भी मिट्टी लग सकदी नहीं है। खैर बहरहाल सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह दा मुकाबला सब तो पहले यहूदियां ते ईसाइयां दे बोलो मौलवियां के अल्लाह शाला इन्ना मौलवियों नू हिदायत नसीब फरमाए ए होंदे तो फिटा होया दुध दिन ते दुध फिट वंजे काहे खाते दा नहीं आंदा
खैर बहरहाल अल्लाह इन्हां नूं भी ईमान की सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान का खात्मा बिल ईमान फरमाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन किहड़े दिन नमाज दे इख्तिताम तक जदो खतीब आंदा ना मिंबर ते उस टाइम तो लैके नमाज दे इख्तिताम तक ये जड़ा विचाले च टाइम होंदा है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस टाइम च एक घड़ी ऐसी आंदी है कि मुसलमान जेड़ी दुआ करे अल्लाह कबूल फरमा लैंदा है। मैं तुहानू बुलवाइंदा ताई आ ताकि मुंह चो अच्छा लफ्ज तुहाडे मुंह चो निकले तो अल्लाह फौरन कबूल फरमा लै। मगर तुसा मुक्कार मुंह भीड़ के बैठे होंदे हो मालूम होंदा मैं तुहाडा कर्जा दे वाला हूं। नाल नाल जे दुआई कलिमात होवेन आमीन जरूर आखी करो या जेड़ी गल कुरान पाक दी दिल नू लग जावे सुभान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ए नाल नाल जिक्र करेंदे रह गया करो ताकि उस घड़ी दा अल्लाह शाला सानू भी हिस्सा नसीब फरमा देवे। खैर बहरहाल अल्लाह दे महबूब नू अल्लाह ने फरमाया सारी दुनिया भी अगर तेरे मुकाबले च आ जाए मेरा सोना परेशान ना हो क्योंकि तेरा मुहाफिज कौन है मैं मुहाफिज होगा उसका कोई वाल भी डिंगा कर सकता नहीं। तां अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू वज़लमू उस वक्त जड़े मौलवी हैं उलमा यहूद नसारा मैं अहले किताब के मौलवियों की गल बैठा करा समझेंदे पाए हो हाँ कुछ यार अकल तू ही काम लिया कर। मैं अगले दिन एक तकरीर की थी तो मैं ये कुरान पाक दी चंद आयात पढ़िया तो मैं आख्या यह सारिया आदत किन्हां दियां यहूदियां दियां उन्हें डायरी लिखी बे इस जने साढ़े मौलवी ने आख्या यहूदी है खुदा दा खौफ ही खत्म हो गया बे गल मैं यहूदियों के मौलवी की पे करना उन्हें क्या लिखा बे इस साढ़े मौलवी ने इस यहूदी आख हूँ जो तुहाडे दिंगे बन दे तो मैं किवें हटा सकदा उन्होंने उलमा यहूद नसारा सोने मोहम्मद रसूल अल्लाह दे मुकाबले च आ गए। अच्छा जो तुहाडे मौलवी की गल है ना तो आओ तुहाडे मौलवी वाली आयत भी कुरान पाक ने पढ़ छोड़ी है इत्थे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू वज़ालमू कुफर भी किया ने ते नाल हक नू बोलो इस उम्मत दे मौलवियां नू अल्लाह दा कुरान क्यों पिया फरमांदा है सूरह आले इमरान गालिबन तीसरा पारा ही ने अल्लाह फरमांदा है इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मिनल बैनात वलहुदा मिन बाद मा बैना होलना से फिल किताब उलाएका ए मेरा पाक पैगंबर इन्नल्लज़ीना यक्तुमून बेशक पक्की गल यक्तुमून जेड़े छुपा लेंदे परदे पा लेंदे केड़ी शायद परदा पैंदे अंज़लना मिनल बैनात उस किताब दे बैनात दलाइल ते जड़ी किताब नू वल हुदा मैं अल्लाह ने हिदायत खजाना बनाया वल हुदा
ਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਲ ਹੁਦਾ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲਾ ਰਹੀ ਬਫੀ हिदायत दा खजाना रब दा कुरान बन के आया है। जिस बंदे ने मेरे कुरान दे दलायल नू सुना ते समझन दे बाद यकतुमून उस ते परदे पायल और अल्लाह दा कुरान क्या फरमांदा है उला माली ते अल्लाह दी बोलना अल्लाह दी ये अल्लाह करीम ने इस कुरान दी गल करके फरमाया मालूम होया जेड़ा इस उम्मत दा मौलवी रब दे कुरान ते परदे पैंदा है उन्ना यहूदियां ते इस च फर्क कोई नहीं रहा ता अल्लाह दा कुरान फरमांदा उला एको यल यो जय पद पख्त मुल्लत पीर ते अल्लाह दी लानत होंदी आए बल्कि वयलअनु हुमुल्लाह जिथे भी कोई खेत लानत करेंदा है अल्लाह उस दी लानत चा के उस मुल्लत सट देंदा है जेड़ा कुरान नू समझन दे बावजूद वत भी रब दे कुरान ते इबादत अमल नहीं पिया करेंदा ओदी वजह ए है कुरान दे उत्ते ईमान न रखन वाला कुरान दा भी दुश्मन मुहम्मद खैरुल अनाम दा भी दुश्मन ते खुद उन्ना दोहां नू घलण वाले दा भी दुश्मन जिस कुरान ते पैगंबर दा शायद खुद रहमान होए अल्लाह खुद प्यादा है ओ मौलविया ते पीरा दी परवाह न कर गद्दी नशीन दी परवाह न कर भौकण वालिया दी परवाह न कर खराफत बकण वालिया दी कोई परवाह न कर लाकिन इल्ला हो या शहद सारी दुनिया करता है पैगंबर दा इनकार ही क्यों न कर जाए मैनू अल्लाह उमर दी कसम ही जदों तक कुरान दुनिया ते राणा है ओ तोड़ी तय मुहम्मद दी नबूवत दा डंका मैला बजाई रखना वा लाकिन इल्ला हो यशहद मैं अल्लाह खुद पे गवाही देना ते तय मुहम्मद दी सदाकत दा गवाह मैं रब ने कुरान बना के नाजल कर देता है। अल्लाह फरमाता है सारे मुल्ला भौक भौक के गंद खावे न पाए मैनू तेरी सदाकत दी कसम ही मेरा मोहम्मद पाक। ओ भाइयो बाज ऐसे मकामात कुरान पाक च आंदे अल्लाह दी कसम है उस वक्त अल्लाह ऐसा अंदाज अपनाईदा है कि मालूम इंज होंदा है कि सारी दुनिया तबाह हो जाए मगर अल्लाह मोहम्मद दे वाल नू भी खैंस नहीं आवण देंदा मालूम होंदा सारी कायनात तो अफजल ते आला वजूद है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह दा है। एक मौके ते सोड़े मुहम्मद करीम दे बारे इयो बकवासात कितो ने के माज़ अल्लाह झूठा है मन घड़त गल्ला लेके आंदा है ये रसूल ही नहीं है जिवें पहले सुने ही ने उलमा यहूदा दे वे रसूल है ही नहीं असा मनदे ही नहीं अल्लाह ने कसम उठाई अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरान अल हकीम मैं तो नहीं माना कीता हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने माना कीता यासीन दा उन्हें फरमाया भी असल च अल्लाह ने एक खिताब कीता सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह नू यासीन यानी या सैयद अल अंबिया ऐ नबियां दा सेहरा मुहम्मद वल कुरान अल हकीम मैनू आपने इसे कुरान दी कसम ही मेरा मोहम्मद इन्नक लमिनल मुरसलीन
सारे मौलवी भौक भौक के मर सकते हैं। मैं अल्लाह कसम चाह के आदा पिया लमिनल मुरसलीन तू मैं रब दा भेजो या सच्चा रसूल है, वरना रब नू कसम चावन की कड़ी जरूरत है। अल्लाह वैसे ही गल करे तो ला राय बोंदी है, उससे शक की गुंजाइश नहीं होंदी। मगर जिथे मुहम्मद की सदाकत का इज्जत ते इस्मत का मामला आंदा है तो अल्लाह पाक, हालांकि कई जगह उत्ते फरमाया फला व रब्बिक मैनू तेरे रब होवण दी कसम, इंज भी अल्लाह कसम चाहिए। अल्लाह वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन ये भी तो कसम चाहिए। अल्लाह जड़ा दा वज़ोहा ये भी क्या है कसम चाहिए। अल्लाह दा वशम्से वज़ोहा हो मैनू चढ़ते सूरज की कसम ही मेरा मोहम्मद। अल्लाह मुख्तलिफ कसम चाहिए मगर इत्थे वल कुरान हकीम कुरान की कसम क्यों चाहिए सो, क्योंकि सूरज भी मिट वैना क़यामत आले दे मिटना कि नहीं मिटना। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़ नुजूमु कदरत व इज़ जिबालु सुय्यरत, हर शय मिट वैनी, जमीन मिट वही सी, आसमान मिट वही सी, सूरज चांद तवाकब सितारे सब मिट वही सी, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह कसम कुरान दी ता चाहिए के न कुरान मिट सकता है ते इन्हें क़यामत तक मेरे मोहम्मद दी शान भी मिट नहीं सकते। दुनिया मिट सकती है इन्हें कुरान कायम रहा है, इन्हें इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कायम रहनी है, जिन्हें दुनिया ते मोहम्मद दिया धुम्मा होनी है इन्हें आखरत के अंदर भी इज्जत का सरताज बन के आसी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया। वो समझ आई रे कि नहीं है, इस वास्ते अल्लाह दे कुरान ने साबित किया है जिसने मुहम्मद नाल कीती मुआफकत उन्हें तो मिल गई हिदायत, उन्हें क्या मिल गई हिदायत, ते जिसने मेरे पैगंबर नाल कीती मुखालफत उसनों फिर हिदायत नहीं बल्कि जलालत है, पक्का ठक्का गुमराह है। इहो जाए गुमराह वास्ते अल्लाह ने दो फैसले फरमाए हैं, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, एक तो ओदी मगफरत कोई नहीं होनी, दूसरा वला लियहदियहुम तरीका, दूसरा उसनु मैं रब हिदायत दा रस्ता नसीब। अल्लाह वाली तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذی المقام الحسنى وعلى عباده الذين آنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أيها الناس أخبتوا إلى ربكم أنيبوا إلى ربكم أسلموا لله فاسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله اعبدوا ربكم فادعوا ربكم تضرعا وخفيا واشكروا لله كما قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم الله أكبر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين